भैंस ढूंढने निकली महिला लापता, कुएं में मिला शव। पिछड़ा ब्लॉक के बोधी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पीपारा में भैंस ढूंढने निकली नवविवाहिता महिला लापता, कुएं में मिला शव वापस नहीं लौटी। परिजन ढूंढने निकले तो कुएं किनारे चप्पल साड़ी रखी मिली। कांटा डालने पर सब ऊपर आ गया। बबीता परिहार 28 वर्ष, पत्नी जहेंद्र सिंह परिहार की कुएं में लाश बरामद हुई है। चाचा ससुर प्रेम नारायण परिहार 40 वर्ष का कहना है कि बबीता परिहार 7 नवंबर की सुबह 7 बजे घर से कुएं पर भैंस ढूंढने के लिए निकली थी। काफी समय बाद वापस नहीं लौटे तो परिजनों ने लोगों के संग बबीता को ढूंढने खेत पर पहुंचे। मोटे हर के कुएं पर घाट पर बबीता की चप्पल और साड़ी पड़ी हुई नजर आई। जो कुएं में कांटा डाला गया तो ढूंढा तो बबीता कांटे से पानी के ऊपर आ गई। तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस बॉडी को बाहर निकालकर मनपुरा स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां मनपुरा स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ की कमी और पोस्टमार्टम के लिए शासकीय कर्मचारी न होने के कारण पोस्टमार्टम के लिए 18 से 20 घंटे का इंतजार करना पड़ा। इस मौके पर छतरिया खंगार समाज के जिलाध्यक्ष महेश परिहार के द्वारा बताया गया कि जब मेरे द्वारा सीएमएचओ को फोन कर जानकारी दी गई तब कहीं जाकर पीएम हो सका। वहीं बबीता के मायके वालों ने आरोप लगाया है कि हमारी बेटी को आए दिन परिवार के द्वारा प्रताड़ित किया जाता था। मायका पक्ष के द्वारा बताया गया है कि पिछले साल भी एक आवेदन दिया गया था थाना प्रभारी भोती को। संवाददाता दीपक गुप्ता की। आपका नाम? मेरा नाम महेश परिहार है। मैं क्षत्रिय खंगार परिहार समाज के जिलाध्यक्ष हूँ शिवपुरी का। जी, आप कल से यहाँ दिख रहे हैं मुझे मनपुरा स्वास्थ्य केंद्र पर, तो क्या कारण है? क्या मैं भाई साहब, मैं मुझे समाज वालों ने सूचना दी है कि मेरी समाज की एक महिला पिपारा ग्राम की कुआ में गिर के डेथ हो गई है, सुसाइड किया। जो भी घटना का क्रम अभी मालूम तथ्य उजागर नहीं हुए, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि मनपुरा स्वास्थ्य केंद्र पर 24 घंटे से बॉडी रखी, उसका पीएम नहीं हो पाया। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है ये, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, एक स्वीपर की वजह से यहाँ पीएम नहीं हो पा रहा है। बताइए, यदि 24 घंटे में बॉडी में कोई कीड़ा कीटाणु कोई इन्फेक्शन फैलता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? उसकी कुछ एविडेंस तो ख़त्म ही हो जाएंगे। तो मैं प्रशासनिक अधिकारियों से ये अपील करता हूँ कि मनपुरा स्वास्थ्य केंद्र के लिए सुधार की तरफ ले जाएं। हाँ, तो अभी आपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी तो आपको जी क्या? मैंने अभी अपने सीएमएचओ शिवपुरी से बात की है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपका पीएम, उनको भी अचानक ऐसा लगा कि 24 घंटे से पोस्टमार्टम नहीं हो पाया, तो उन्होंने बोला कि मैं अभी हल बात कर रहा हूँ। उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं तत्काल जल्दी से जल्दी पीएम कराने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका नाम? सुमन। सुमन जी, सुमन जी, आइए। आपकी कौन लगती थी? देरानी। क्या नाम है देरानी? बबीता जी। तो ये क्या घटना हुई, ये कैसे हुआ सर? भैंस उसकी खो गई थी, तो भैंस देखने गई थी। हाँ, कहाँ पे? पूजा आपतन। हाँ, उसको भाई आगा तो उसको भैंस मिल गई। उसने कह दी हाँ, हम दो बहन बच जाए पूजा आप हैं और हम सही है। बबीता अब आ नहीं रही, कह रहे कि फरी नहीं रही मैं। फिर क्या हुआ? फिर हमारी लड़की गई देख ली, सोना चूड़ी और साड़ी पड़ी। कितनी देर बाद गई थी? 2 घंटे बाद जी। फिर वहाँ मौके पर कौन कौन मिला? कौन कोई नहीं मिला, फिर होते आदमी कोई आते नहीं। हाँ, हाँ। फिर? फिर कुछ नहीं, फिर पुलिस को फोन लगा, सुनने के लिए कि देख लो कुआ में। अच्छा, मायके वालों ने बोला है कि मारपीट की है? भाई ने कह रही कि है कि बहन कुआ नहीं, उन्होंने आरोप वो लगा। कितनी देर पहले बोला था उन्होंने मायके वालों? 1 घंटे पहले। 1 घंटे पहले। फिर 1 घंटे बाद आप गए तो वहाँ कौन कौन मिला था? उन्हें कोई नहीं मिलो, फिर साड़ी रखी बाकी। हाँ, और चूड़ी रखी और चप्पल रखी थी। तो मायके पक्ष के लोग उन आरोप लगा रहे हैं कि उनकी बहन के साथ आए दिन मारपीट करते थे और कई बार ऐसी प्रताड़ना दी गई है। नहीं, ऐसी हमें कभी नहीं हुआ। उस वक्त उनका पति कहाँ थे? पति सारमंग थे, डंगरवा। कागज लगा भी गए थे मतलब। किस चीज़ के कागज? जमीन। अच्छा, ठीक। आपका नाम? चैनू। चैनू, ये जो अभी बॉडी रखे हुए हो आप, कौन है ये आपकी? बच्ची। बच्ची, क्या नाम है बच्ची का? सविता। बबीता। 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 तो इसकी उम्र क्या होगी? वही 24-25। क्या क्या मामला था? मामला यही है था कि मारपीट करा तो बस। तो ये कैसे, इनका जो घटना हुई है कैसे हुई है ये घटना? घटना मारपीट के भाई, और कैसे भाई? मारपीट के। लोगों के द्वारा बताया गया कि यह बॉडी कुएं में मिली गई है। हाँ, कुआं। तो इसमें आपका क्या कहना है?
लड़की ने आत्महत्या की है कि मारी पीटी गई है, कैसे क्या? लड़की जाई कहते मारपीट करी। मारपीट कभी आपसे शिकायत करती थी ऐसी मारपीट की? क्यों मेरी एक साल बाद की बहुत हरी है आवेदन दाओ तो। अच्छा चलो ठीक। काशीराम जी, जो अभी एक यहाँ बॉडी मिली है कुएं में, वो आपकी कौन है? क्या नाम है उसका? जी तो इसके साथ क्या घटना हुई है? घटना हुई सर, उसकी मारा पीटी करी है। किन लोगों ने करी है? उसके पति ने। क्या नाम है पति? जयेंद्र सिंह। जयेंद्र सिंह और क्या? और एक उनका बल्लू। आगे क्या लगते आगे परियार। तो ये कब की घटना है? कल की। आपको कब पता चला था? हमें पता था करीबन 2 घंटा पीछे। तो आपसे क्या बोला गया था? हमसे ये बोला कि तुम जल्दी आ जाओ, भैंस चरा गई है, चोर खोल रहे हैं। हाँ हम वहाँ गए, सो कुआ को मारपीट कर रहा मोड़ी पर। हाँ हम 1 किलोमीटर दूर से देख पाओ गया है। हाँ बल्कि हम अपने घर कंचनपुर आए, इधर में हमें फोन आ गया तो कुआ में गिर के मार गया, वरना मारपीट तो भाई पटक रही कुआ। लगभग फोन कितने बजे आया था? फोन आया था हमें लगभग 2:30 बजे। तो आप कितने टाइम समय देर पहुँच गए थे? पहुँच गए थे वहाँ करीबन 3:00 बजे। अच्छा तो आपकी भतीजी वहाँ नहीं मिली? नहीं। वो उसके परिजनों ने आपको कुछ बताया? नहीं कुछ नहीं। गांव वालों ने कुछ नहीं, बताया कुछ नहीं। है ना, तो आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि बन्ने मार के उनको कुआं में पटक दे, मार के कुएं में फेंक दिया। पहले कभी ऐसा विवाद हुआ है क्या? हाँ, पहले हुआ था ना। कब हुआ था? जो 1 साल पहला। अच्छा आवेदन लगाया था हमने पुलिस को। आवेदन भी आ गया हमारे पास। क्या विवाद हुआ था? भाई जी लड़ाई झगड़ा करते हुए मारा पीटी करता था, फिर जब इसकी शादी हुई। इसकी शादी कब से कब हुई थी? शादी को हो गई थी 20-25 साल। बच्चे कितने? 10-12 माह। बच्चे कितने हैं? बच्चे एक मोड़ा। ओ बच्चे ने कुछ बताया आप? नहीं बच्चे हमें मौके पर मिला ही नहीं। अभी फिलहाल में बच्चा कहाँ है? बच्चा भी नहीं के साथ।